लेट्स गो अक्रॉस टू सुदर्शन पटनायक जी, पद्मश्री अवॉर्डी एंड सैंड स्कल्प्टर पार एक्सलेंस. ही कैन जस्ट वीव मैजिक. आई हैव सीन हिज वर्क फ्रॉम अप क्लोज एंड इट्स जस्ट मैजिक. एंड योगी आदित्यनाथ जी हैज टेकन अ सेल्फी देयर. हिज डेडिकेशन, सुदर्शन पटनायक जी इज ओड टू राम लला, द ब्यूटिफुल राम टेम्पल. एंड आफ्टर दैट ऑल्सो that lovely, lovely face of Ramji that you have made. Sudarshan Patnaik ji, namaste. Such a phenomenal moment, and what a sculpture that you have built. Amazing. Jai Sri Ram. Aaj hamara desh ke liye, har koi Bhagwan Ram ki bhakt ke liye, ek bahut aitihasik din hai, blessingful din hai. Hame ye blessings mila ki भगवान राम जी का जो पवित्र स्थान पे सैंड स्कल्पचर क्रिएट करने के लिए, और हम लोगों ने वहां पर गए और भगवान खुद ही खुद बने, उनको कोई नहीं बनाया है. मैं पहले ये बोलना चाहूँगा, पहले आज एन आर्टिस्ट के माध्यम से जो स्कल्पचर्स वहां पर बनी हुई है वहां सब लोग जाके देखेंगे, बट उससे ये है कि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो आह्वान दिए थे कि आज देश भर में हर किसी के घर में दीप जला के स्वागत करने के लिए, भगवान को नमन करने के लिए, प्रे करने के लिए, मैं वहाँ पर स्कल्पचर के पास, भगवान राम जी के पास ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का भी स्कल्पचर्स बनाया और वो प्रे कर रहे हैं इस पवित्र दिन के लिए जो सबको अपील किए थे. क्योंकि इस दिन के लिए मैं जब 2018 में गया था वहाँ पर देखा था, अभी अयोध्या बहुत परिवर्तन हुआ है और एंटायर अयोध्या जो भगवान का स्थान, जैसे पवित्र स्थान होता है, जैसे पूरी जगन्नाथ धाम जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ से मैं हूँ, और जैसे उसी पवित्र धाम का एटमोस्फियर लगा और बहुत मन में ये भावना आया कि जिस दिन दिन के लिए हम सब लोग अपेक्षा कर रहे थे वो दिन आज आया है. सुदर्शन पटनायक जी, जिस सुदर्शन जी, मैं अगर आपसे कहूं कि जिस भाव से आपने जय श्री राम कहा तो वो बड़ा ही आत्मीय था, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि राम आपके लिए कौन है और राम से हम सब क्या सीख सकते हैं एज भारतीय. भगवान राम हमारा हिंदू धर्म और हमारा प्राण प्रतिष्ठा है. उन्हीं के बिना जैसे कोई पत्ता भी नहीं हिलता है. उनसे बहुत कुछ, उनका जो आध्यात्मिक भावना था, जो भावना से आज सारा विश्व में सिर्फ हिंदू धर्म के नहीं, अलग अलग धर्म के भी लोग भगवान राम जी को और उनकी जो जीवन था उसी को लेकर सब लोग कितने सारे देश से भक्ति भावना से रहे हैं. हम जिस पूरी जगन्नाथ धाम में रहते हैं, जगन्नाथ जी का एक अवतार है, उससे पहले भगवान राम जी का अवतार था, तो वहाँ पर भी जैसे हम लोग पहले उठते हैं, जय श्री राम बोलते हैं, जय जगन्नाथ बोलते हैं, इस तरीके से भगवान राम, भगवान जगन्नाथ, ये सब हमारा धर्म का और हमारा आध्यात्म का भावना है. और उन्हीं को हम लोग, जैसे हमने बताया कि जो स्कल्पचर्स हमने बनाया था वो खुद भगवान ही, आज नहीं, मैंने बहुत बार भगवान राम जी का स्कल्पचर्स बनाया है और वो खुद अपने आप बनते हैं. इसलिए जो स्कल्पचर, जो रियल स्कल्पचर बनाए हैं, आप देखिए वो कैसे भगवान विश्वकर्मा की तरह वो बन गए और किस तरीके से युवराज जी ने वो स्कल्पचर्स बनाए हैं. वो फेस में क्या है, कोई देखेंगे उनका हृदय जो है वो समर्पण हो जाएगा. मैं उनको भी अभिनंदन देना चाहूंगा और उनको, उनके साथ उनके ब्लेसिंग्स, भगवान राम खुद आके उनके ऊपर बैठ गए विश्वकर्मा होके और वो बना दिए. इस जो 500 साल का अपेक्षा था वहां पर भगवान खुद विराज गए. आपने जब रामलला की मूर्ति देखी, उसकी इमेजेस आपने भी देखे होंगे, तो आपको कैसा लगा? आपको लगता है कि वही उसी तरह से राम होंगे? वो इमेजेस देखने के बाद यही मुझे लगा
कि हम लोग खुद तो नहीं देखे हैं विश्वकर्मा जी को, और भगवान राम खुद ही योगीराज जी को उनके अंदर समा गए और वो खुद बनाते चले, क्योंकि वो फेस में आप देखिए जो मूर्ति है, जो भगवान जी का जो मुख फेस है उसमें क्या आध्यात्मिकता है, कोई देखेंगे तो उनका हृदय वहीं पर समर्पण हो जाएगा। तो इसी से मैं वो स्कल्पचर देखने के बाद, मैं तो बहुत सारे स्कल्पचर्स पहले से क्रिएट किया था, बट ये जो योगीराज जी ने जो स्कल्पचर्स रियल स्कल्पचर पूजा के लिए बनाए हैं, वो स्कल्पचर वो नहीं बनाए हैं, उनके अंदर खुद भगवान राम जी समर्पण हो गए और वो बनाते चले। तो इसीलिए वो एक शताब्दी का, इस शताब्दी का सबसे बड़ा ये है आध्यात्मिकता है, और बहुत सारे कलाकार हमारे पहले से इस युग में बहुत कुछ क्रिएट किए हैं, बट जो भगवान रामलाला जी का स्कल्पचर बना है वो इस सेंचुरी का, इस शताब्दी का सबसे बड़ा ब्यूटीफुल स्कल्पचर है और आध्यात्मिकता स्कल्पचर है जी। सुदर्शन पटनायक जी, आपका भाव मुझे बहुत बहुत प्रिय लगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं बहुत दिल से कह रहे हैं, एंड आई रियली अप्रिशिएट यू बीइंग सो अपफ्रंट अबाउट इट। आई थिंक आज का दिन ही कुछ ऐसा है जो फॉर यू टू से कि आज आपने एक अलग वाइब्रेंसी आपको लग रही है कि, और मुझे ये भी लगा कि जब महंत अब यू नो आदित्यनाथ जी खुद महंत हैं और वो अगर एक सेल्फी ले रहे हैं आपके स्कल्पचर के साथ, दैट मीन्स उसमें से एक स्पेशल वाइब्रेंसी जो उसकी बात आप कर रहे थे शायद उनको भी महसूस हुई। आपको अच्छा लगा कि ही इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड योर स्कल्पचर एंड ही इज ट्राई टू टेक अ सेल्फी विद इट। एक्चुअली हम लोग ने जब स्कल्पचर करने के लिए वहां पर गए, हमने ये सोचा कि 500 साल के बाद भगवान राम जी की मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा होगा, तो इसलिए हमने एक यूनिक तरीके से क्रिएट करने के लिए हुई सरयू नदी के पास, वहां पर हमने रेत के ऊपर 500 जो छोटे छोटे मिनीचर टेम्पल था उसी को इंस्टॉल करके एक बड़ा सा टेम्पल सा हम लोगों ने क्रिएट किया, मंदिर क्रिएट किया, जो कल वर्ल्ड रिकॉर्ड्स करके डिक्लेयर भी हुआ है वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ की तरफ से। और जहां ये स्कल्पचर बना था खुद योगी आदित्यनाथ जी जो हर दिन वहां पर जाके मायना लेते थे, जो उनका कंटिन्यूसली वो फेंट देते थे, और उन्हीं ने खुद जाके वहां पर भगवान राम जी का स्कल्पचर देख के वहां पर सेल्फी लिए और अभिनंदन जनाए कि ये स्कल्पचर्स के लिए, ये तो एक आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग से कि उनकी महानता कि वो खुद जाके वहां भगवान जी को देखे जो रेत में बने थे, क्योंकि आपको पता होगा भगवान राम जी ने भी जो हम समझते हैं कि बालू जो रेत कला करते हैं शिवलिंग बना के पहले ही पूजा किए थे, वही रेत का शुरुआत है। तो खुद भगवान के पास आदित्यनाथ जी ऑनरेबल सीएम वहां जाके फोटोग्राफ्स लिए और अभिनंदन किए, वो आज एन आर्टिस्ट के लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग से हम लोग के लिए जी। बहुत 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 धन्यवाद सुदर्शन पटनायक जी आपके समय के लिए एंड फॉर द वर्क दैट यू हैव डन। आप ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहिए, हर हिस्टोरिक भारत के हर हिस्टोरिक पल पर आप कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं। आपने सैंड स्कल्पचर को नहीं, उन ऐतिहासिक पलों को भी आपने एक एक तरीके से यू हैव ऑल्सो बीन एबल टू कैप्चर इट फॉर ऑल ऑफ अस। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आशा करता हूँ कि आप जल्द रामलला के दर्शन करें और उसके बाद आपके अंदर जो भाव आता है उसका भी एक स्कल्पचर बनाए। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट टू। आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट? आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? मेरा अंतिम प्रश्न आपसे। जरूर जरूर जरूर, वही भगवान के आशीर्वाद से हम जरूर दर्शन करेंगे, और दर्शन के बाद हमने ये सोच के रखा है जब उस सब आएगा और भगवान राम जी की जन्मतिथि पे हम बड़ा सा स्कल्पचर उसी टाइप का पूरी बीच में क्रिएट करेंगे। और हमने तो वही भगवान को छोड़ा है कि भगवान का ब्लेसिंग्स रहेगा, तो जरूर हम एक बहुत बड़ा स्कल्पचर, क्योंकि मैं इतनी बार वो स्कल्पचर्स को देख रहा हूँ जब से उस भगवान का फोटोग्राफ्स आया है, मैं वही टाइम पे हूँ कि बहुत बड़ा स्कल्पचर हम लोग भी कोशिश करें कि भगवान का इस पवित्र तिथि जब आएगा राम जन्म के समय, उस समय हम लोग बनाएंगे।